तू कर दे कृपा मेरी मैया, मैं तेरा पुजारी बन जा। कौन कौन भक्त मार के पुजारी बनना चाहते हैं? फ्लैट रखा करो मेरे लिए, बिल्कुल सादा, एक बार बांध दो फिर आराम से आनंद लो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। थोड़ो रिपीट बढ़ाओ थोड़ी, जय माता दी, बहुत सुंदर। बस बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। सुनिएगा, आंगन आंगन में आज माँ का शुभ आगमन हुआ है। हाजी राजकुमार भैया जी, आपके आंगन में माँ आई है, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। तो सुनिएगा, मैं आपकी खुशी को देख करके ये भजन रख रहा हूं। आंगन में आज माँ का शुभ आगमन हुआ है। और आपने राजकुमार भैया अपने परिवार में अपनी पत्नी से, माता पिता से कितनी बार चर्चा नहीं की होगी कि एक बार जगराता कराएंगे, लेकिन जगराता कब हुआ सुनिएगा। के आंगन में आज माता शुभ आगमन हुआ है, और माँ की कृपा से माता, माँ की कृपा से माता, और यहाँ जागरण हुआ है। एक बार दोनों हाथ उठाकर और मीठी मीठी तालियों के साथ, माँ की कृपा से है।
और यहाँ से उठ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ का नजारा देखना, क्योंकि भक्ति भरा मां घर का, भक्ति भरा मां घर का वातावरण हुआ है। आज हर मुख से आवाज आ रही है जय माता दी। क्या आवाज आ रही है? भक्ति भरा मां घर का वातावरण हुआ है, क्योंकि मां की कृपा से माता, मां की कृपा से राजकुमार भैया के आंगन में जागरण। एक बार दोनों हाथ उठा करके पर मैं जानू मां तुझको मनाना नहीं, और ए मां कर आही गई हो तो जाना नहीं, कर आही गई हो तो जाना नहीं, मां जाना हमें भूल जाना नहीं, मां जाना हमें भूल जाना नहीं, मां जाना हमें भूल जाना नहीं। रामपीर निर्मल रामपीर आज निर्मल, अंतःकरण हुआ है। अगर भेंट अच्छी लगी है तो मैं चाहूंगा
बड़े भाई रामवीर जी ने इस कविता की रचना की है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। रामवीर जी रसिया सम्राट आप सभी जानते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके उनके लिए तालियां और मीठी मीठी तालियों के साथ। रामवीर आज निर्मल अंतःकरण हुआ है और मां की जागरण हुआ है।